दोस्तों नमस्कार, मैं सत्यरपन सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सत्यरपन सिंह। मेरे यूट्यूब चैनल सत्यरपन सिंह में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बनाएंगे कमल ककड़े की चिप्स। जी हाँ दोस्तों, आज जो लोटस रूट होता है उसका हम चिप्स बनाएंगे। तो चलिए आपका समय ज़्यादा न लेते हुए कमल ककड़े के चिप्स को बनाना हम स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास लोटस स्टेम कमल ककड़ी, इसका पहले हम साइड का ही हटा देंगे और उसके बाद हम इसे ट्रिम कर लेंगे इस तरह से। अब हम इसका स्लाइस कर देंगे इस तरह से, ज़्यादा मोटा भी नहीं और पतला भी नहीं। ये मैंने बर्तन लिया पानी और उसमें सॉल्ट डाल दिया और थोड़ा सा नींबू भी डाल देंगे। इससे पहले आपको जो लोटस स्टेम स्लाइस करा था उसे 4 से 5 बार धो लें ताकि उसका स्टार्च निकल जाए और वो अच्छा क्रिस्पी हो जाए। उसका स्टार्च भगाना बहुत ज़रूरी है अच्छा क्रिस्पी के लिए। और अब हम इसे छान लेंगे और तेल मेरा गर्म हो चुका है, अब इसे फ्राई कर लेंगे मीडियम हीट में। तेल ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए। इस तरह से अभी फ्राई हो चुका है तो हम इसे निकाल देंगे और ये लोटस स्टेम के चिप्स रेडी हो चुके हैं। कोई भी कबाब के ऊपर डेकोरेट के लिए बहुत ही अच्छा लगता है। आशा करता हूँ आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरा अपकमिंग वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।